हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो है एक स्टैंड अप कॉमेडी जो हमें सजेस्ट की है आसिम ने। और वीडियो का टाइटल है स्टफ अबाउट बॉलीवुड स्टैंड अप कॉमेडी बाय करुणेश तलवर। अच्छा, और स्टैंड अप कॉमेडी देखने से पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हम लोगों को बोलते हैं कि हम स्टैंड अप कॉमेडी करें, लेकिन जब हम स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पर एक स्टैंड अप कॉमेडी की थी फारूकी की, हाँ, शायर मिंडर चप्पल वाली, तो उस पर काफी ज्यादा हमारे व्यूअर्स उनसे थे वो गुस्सा हो गए थे। और फिर हमें बहुत सारी ईमेल्स भी आई हम उनको हाइड करें, तो हम लोगों ने उसको हाइड कर दी थी। तो काइंडली हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी वीडियोस, फिर बाद में वैसे हम लोगों को बताया भी कि क्यों मतलब इतना अग्रेशन था, तो हम लोग आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे इश्यूज का नहीं पता होता जो इंडिया में चल रहे हैं, तो हम लोगों को ऐसी वीडियोस सजेस्ट मत करें जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल हो और ऐसी वीडियोस, क्योंकि फिर आप लोगों को भी अच्छी नहीं लगती, फिर हम लोगों को भी बाद में अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज ऐसी वीडियोस हमें कोई भी सजेस्ट ना करें, बल्कि वो वाली करें जो कि सब हम लोग खुशी खुशी देख सके। वेल, अभी हम देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का, इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करके चैनल को, उसके अलावा हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। A lot of the people in this room are young, and so most of us, we grew up around the 90s, right? And there are certain things that we could not have done with our lives, just considering we were born there. Like, we couldn't have been astronauts. Hamare paas wo exposure tha hi nahi. Aap socho, UK aur US mein bachche kya dekh rahe the? Apollo 13, Close Encounters of the Third Kind, 2001 A Space Odyssey, E.T. We didn't have any of that. बॉलीवुड से जब हमने एलियन मांगा तो उन्होंने हमें क्या दिया? जादू नहीं, धोखा, फरेब, एक छोटा नीला खजूर जिसके सर पे लाइट है, उसके सर पे लाइट है, उसके सर पे लाइट। Your reward species is the equivalent of a fucking table lamp. उसको राकेश रोशन के कैरेक्टर ने अर्थ पे बुलाया, राकेश ने एलियन बुलाया। ये 2003 की बात है, तब फ्लिपकार्ट भी नहीं था, आप दो जोड़ी सॉक्स नहीं मंगा सकते थे, बंदे ने गांव में एलियन मंगा लिया। You ask him, कैसे किया? Oh, Windows 73 के कंप्यूटर से, जिसमें हरे रंग के ग्राफिक्स हैं। You can't play Dave on it. I called an alien. I just went om 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 om. That is the same tune as In Panchiyon Ko Dekh Kar Jaage Hain. एक और ट्यून तो बना ले आलसी। Come on man, there are people doing unpaid internships. ये लोग किस बात के पैसे ले रहे हैं यार? इन तालियों से पता चलता है कि बहुत लोग इस कमरे में अनपेड इंटर्नशिप कर रहे हैं। फड़ास बाहर निकलती है। एक तो यार जादू कैसा एलियन? इट डजंट इवन लुक लाइक एन एलियन। इफ आई एम वॉकिंग इन अ फॉरेस्ट एंड आई सी जादू, आई एम नॉट गोना बी लाइक ओ एलियन। नहीं, मैं उसके ऊपर पांव रखूंगा, उसका मुंह खुलेगा, मैं कचरा डालूंगा, ठीक है? दैट इज ऑनेस्टली व्हाट ही लुक्स लाइक। And look, Jadu has no plans, he has no priorities, he has no prerogatives. वो अर्थ पे कुछ नहीं करने आया था, वो अर्थ पे आया था फूकने के लिए बस। I can prove it to you. कौन सा एलियन हिमाचल जाता है? तू एलियन है, US के प्रेसिडेंट को मिल, दुनिया पे कब्जा कर। He's like, नहीं भाई, कसौल चलते हैं पहले। पहले थोड़ा माहौल बना लिया जाए। जादू वॉज हाई एज फक, पीला रेनकोट पहन के ऋतिक के डस्टबिन में रह रहा है, वो भंड है।
बच्चों को आसमान में उड़ा उड़ा के बास्केटबॉल खिलाया है जादू में. Do you guys remember that scene? The most glaring error in the history of humans. बच्चे आसमान में बास्केटबॉल खेल रहे थे और किसी ने आके नहीं बोला चिचा ये फिजिक्स और बास्केटबॉल दोनों के रूल्स के खिलाफ है, ये मैच बंद करो. They just accepted it. उधर दो कमेंटेटर थे और प्रत्युष, जैसा कि आप देख सकते हैं कसौली टाइगर्स बच्चों को हरा रहे हैं क्योंकि कसौली टाइगर्स 28-28 साल के 7-7 फुट के घोड़े हैं और बच्चे अभी भी बच्चे हैं. और जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चे इस वक्त आसमान में उड़ने लग गए हैं, काफी क्लेवर स्ट्रैटेजी अपनाते हुए बच्चे, काफी यूनिक अप्रोच है ना. दे जस्ट एक्सेप्टेड इट, दे वर जस्ट लाइक हाँ बच्चे तो उड़ते हैं, बच्चा चिड़िया एक ही बात है, आपके बच्चे नहीं उड़ रहे, डॉक्टर के पास ले जाओ बता रहा हूं. द एलियन इज द मोस्ट बिलीवेबल थिंग अबाउट दैट फिल्म. एंड व्हाट एन एलियन, what an alien, he traveled across light years and galaxies aur phir ritik ka chashma uthar ke chala gaya bas. He is a replacement for a lasik operation, baki kuch nahi ukhada hai, kuch nahi ukhada hai ye alien. aur ek baat batao yaar, science fiction picture hum sabne dekhi hai, star wars dekhi hogi, interstellar dekhi hogi, usme koi aalap le raha tha kya? koi lambe chaude aise sur laga raha tha kya? nahi na. तो ये एलियन वाली पिक्चर में उदित नारायण, अलका याग्निक, इनकी क्या जरूरत है? अच्छे सिंगर है, मैं मना नहीं कर रहा, पर यहाँ क्या कर रहे हैं? स्टार वॉर्स में डार्थ वेडर आलाप लेते हुए आया था क्या? हे 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 हो हो ला ला ला. So then what are Udit and Alka doing here? Alien वाली पिक्चर में भी Udit और Alka जादू जादू बीच में एलियन से भी गवा दिया. मुझे एलियन के लिए बुरा लगने लग गया यार. आप खुद ही सोचो, बेचारा रोज बस पकड़ के फिल्म सिटी जा रहा है, कैसी नौकरी है यार, क्यों छोड़ के गए मुझे यहाँ पे, कमर हिला रहा हूं मैं खेतों में बच्चों के साथ. पर ये जो फिल्म है, एक बात तो है, ये फिल्म के मेकर्स को थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा. वो लोग समझ गए कि इंडिया की इंटेलिजेंट पैसे देने वाली जनता आप सब सिर्फ ओम 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 से कन्विंस नहीं हो गए, वो ये बात जानता तो उसने सोचा थोड़ा और साइंस घुसाते हैं. Let's add another layer of scientific knowledge to this. So they showed that Rakesh Roshan ke ghar ke upar do Tata Sky ki dish. Niche se Rakesh om 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 upar Tata Sky mein sparking ho rahi hai. Buzzin zin zin zin. Buzzin zin 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 zin. Buzzin zin. Om om om. Buzzin zin 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 zin. Tata Sky mein sparking hui और एलियन आ गया टाटा स्काई से. एलियन आ गया टाटा स्काई, बारिश के टाइम पे बंद हो जाता है, ठीक है, मैच नहीं आ रहा, एलियन कहां से आया? पहला सवाल. और दूसरा सवाल, नासा वाले चूतिए हैं क्या? I don't get out of the house much. कुछ है ही नहीं करने के लिए. At best आप पिक्चर देखने चले जाओगे, पर वो भी घटिया ही है. बॉलीवुड से मेरा भरोसा उठ चुका है, सब अंकलों के हाथों. Do you guys know Pailash Nehlani? The ex-chairman of the censor board. This guy said recently that the word intercourse is a dirty word. It is a filthy word and it should not be used. Now intercourse is the scientific term for sex. If that is a dirty word, what are doctors supposed to say? Aiye sir baithiye. Chotu Shukla ji ke liye pani leke. Sir, 17 saal ho gaye ye kaam karte hue. And this is still the most difficult part. Aapka aur samay barbaad nahi karunga sir. आपकी रिपोर्ट आई है, इसमें लिखा है पेशेंट इज एचआईवी पॉजिटिव
क्योंकि उन्होंने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अनप्रोटेक्टेड धाम धूम किया है। यहाँ पे लिखा है कि आपने धाम धूम किया है। पेशेंट मौका देखते ही रफा रफ शुरू हो जाए और आगे से उन्हें जरा सोच समझ के मजाक में अब्दुल रजाक होना पड़ेगा वरना ये नौबत फिर से आ सकती है। There's a reason why I bring that up though. It's because it's very tiring to see how we live in an environment where adults tell other adults what they can and cannot do. Like आप पिक्चर देखने जाओ, आपको बोलेंगे सिगरेट मत पीना। धन्यवाद दबंग 2 के पहले मेरी आंखें खोलने के लिए। अब पिक्चर देख लूं। I was watching a war movie recently, and there was a guy in this film, a soldier who's smoking a cigarette. A warning comes up that says cigarette smoking is injurious to health. There is a war going on. That cigarette is the safest thing on screen right now. If you compare it to tanks and bullets, that cigarette is like green tea. It is healthy. और ये कहाँ का लॉजिक है यार, ऊपर से बम गिर रहा है, बंदा सुट्टा भी नहीं मारेगा। Oh, what do you want him to think? सामने से गोलियां चल रही हैं, पर कहीं कैंसर ना हो जाए। युद्ध तो होते रहेंगे सर, पर कर्क रोग जानलेवा है। बात करेंगे आज की इस वीडियो की, तो जो है बॉलीवुड से हम वो चीजें सेट कर सकते हैं जो कि हम जिंदगी में कभी सेट नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने सारी चीजें बताई ना, उस टाइम पर यार लोग बहुत इनोसेंट थे। अभी जैसे मतलब वो डिश की बात कर रहे हैं, वाकई में उस टाइम पर किसी ने सोचा होगा क्या? यार डिश के अलावा अगर बात करें तो मुझे शायद लगा बीच में डिस्कस करेंगे वो, तो अब उन्होंने रिफ्रेश कराई ना चीजें, तो मेरे दिल में भी आई है चीज के जो जादू साहब थे वो खाने में धूप खाते थे। धूप बिल्कुल उससे चार्ज होते थे ना, और बैटरी भी यही लगता है उनकी शक्तियां उसी से तो आती थी। जब धूप होती थी तो उनकी शक्तियां आ जाती थी, और जब छांव होती थी तो उनकी शक्तियां खत्म हो जाती थी। बट ये कि वाकई में जिस तरीके से इन्होंने जादू की किट लगाई है और पूरी मूवी का बताया, अच्छा उस टाइम पर हम लोगों ने बड़ा इतनी मूवी हम लोगों ने देखी है, पता नहीं कितनी मतलब ये हम लोगों ने मूवी देखी है, बट कसम ले लें जो एक मतलब ऐसी चीजें हमारे और वो तो अब दिन में आया, वो जो क्या नाम लेते हैं चावलों वाला बोरी होती है ना, उसका तो उसका कॉस्ट्यूम बनाया हुआ था। मौसम को भी याद आ रही है। और जादू भी ना गाना बड़ा सूट करते हो, गाना ना कभी शाम ढले तो दिल में आ जाना, तो जादू भी मतलब जब शाम ढले तो घर आ जाना, धूप नहीं होती। लेकिन ये कि नेशन बहुत बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें मतलब बताई, और जिस तरीके से उनका बताने का तरीका था मुझे वो बहुत पसंद आया। कि मतलब उसमें ये नहीं था कि आप यू नो किसी को मतलब होता है ना कि आप डिग्रेड कर रहे हो, वो नहीं, एक हंसी मजाक वाली चीज में उन्होंने बात बताई, तो ये मुझे उनका अंदाज बहुत पसंद आया। बिल्कुल सही बात है। अगर उसके टोन की बात की ना, वो जो टू डू 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 पता नहीं शायद उन्होंने गाना गाया। हाँ, तो अगर इस टोन की बात की ना, तो अब आके तो इस टोन पे बहुत ज्यादा मीम्स भी बनते हैं ना पाकिस्तान में, खास करके बात करें तो सियासी मीम्स बहुत ज्यादा ऐसे बन रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा कम ही इन चीजों से लेना देना है, मौसम का काफी ज्यादा होता है। बट ये कि करुणेश ने फिर उसके बाद जो मतलब बाकी भी बॉलीवुड का हाँ सेंसर की बात की, वो भी मुझे बहुत फनी लगी। धाम ताम धाम पता नहीं क्या बोल, क्योंकि ऐसा वाकई में होता है कि बहुत सारी चीजें जिनसी है मतलब जो बड़े हैं वो हम लोग को अलाउड नहीं करते थे उस टाइम पर। इवन के बहुत सारे सॉन्ग ऐसे आया करते थे जो मतलब जैसे कांटा लगा कलियों का चमन जब बनता है, मतलब देखो देखो ये है जलवा मुझसे पूछें, जो तुम्हें देखने नहीं देते थे, देखने और देते छोड़ते नहीं हो। तो मैंने देख ली थी जब फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड मोबाइल आया था, उसमें यूट्यूब आया था, वो मैंने तब भी देख लिए थे। लेकिन ये कि हाँ उस टाइम पे मैं ये कहूंगी कि काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती थी, आज के टाइम में तो हर किसी के हाथ में मोबाइल है और आप कुछ भी देख सकते हैं। अच्छा अब वो गाने देखते हैं ना तो कहते हैं क्या था इन गानों में, देखने नहीं देते थे। मुझे नहीं पता, बट वैसे मुझे वो वाला टाइम पसंद।
था और अभी भी है, बट ये कि ये भी पसंद है, टाइम अच्छा लगता है ये वाला टाइम भी, लेकिन पता है क्या, एक बड़ों का डर, मतलब उस चीज का एक अपना ही मजा यार। वैसे वो टाइम वाकई में अच्छे थे, कोई मूवी में सीन इस तरह का आता था तो चैनल बदल दिया जाता था, चैनल या तो बंद कर दिया, यानी कि टीवी ही बंद कर दिया जाता था, या बच्चों को कह लिया जाता था, बड़े तो खुद देखते थे, बच्चों को कहते थे आंखों पे हाथ रख लो, अच्छा खुद सब कुछ देखना है, बच्चों को नहीं देखना। अच्छा ये पता सब होता था, स्पेशली मौसम जब ना फैमिली बैठी हो, फैमिली बैठी है, कोई मूवी लगी हुई है, सारे मिलकर वीसीआर पे मूवी देखने, और मान लो कोई, बस ज्यादातर तो पहले फैमिली मूवीज होती थी, लेकिन ये होता था कि जैसे साइड हीरोइन होती थी या फिर जो विलन होती थी उनकी ड्रेसिंग थोड़ी होती थी अजीब सी, ओपन टाइप, मतलब तो उनको वो जब आती थी ना तो चलो चलो आगे बंद कर, खुद देखना है, बट तो बड़े जन से ना अपने लिए उनके स्टैंडर्ड। अच्छा बच्चों, बड़ों की आंखें भी ना कुछ इस तरह की थी, एक आंख टीवी की तरफ, एक आंख बच्चे की तरफ, की वो आंख से जो या खोल ना ले या सीन ना देखना शुरू कर दे। अभी मुझे वैसे इन चीजों की वाकई में कमी महसूस होती है कि अब जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं, अब तो साथ बैठ के देख लेते हैं, वो तो कहते हैं मामू हमने तो पहले भी देखा हुआ है। मेरी बात सुनो, अभी जैसे घर में गाने वगैरह लगे होते हैं, सब कुछ होता है, मतलब आराम से बच्चे बाहर बैठ के देख रहे हैं, हम लोग यहाँ से निकले हैं, बाहर देखा है, देखा किसी को कुछ नहीं महसूस होता भाई कि कपड़े कम है ज्यादा है, कोई बड़ा है नहीं, बिल्कुल भी। बट मैं यही बोलूंगी कि हर टाइम की अपनी खूबसूरती होती है, क्योंकि वो हमारा बचपन था, अब ये इनका बचपन है, क्योंकि टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा। हाँ बचपन, पता नहीं बचपन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये सब जानते हैं, बट ये कि मुझे बहुत मजा आया जिस तरीके से उन्होंने पूरी एक वीडियो बनाई बॉलीवुड पर। और वैसे अब लेकिन ये है कि बॉलीवुड से ज्यादा हम लोग को साउथ की मूवीज हमेशा नजर आती थी कि जो जिसमें काफी ज्यादा यू नो ऐसी चीजें होती थी कि कोई लॉजिक ही नहीं होती थी। मुझे एक सीन अभी भी याद है जो हम लोगों ने वीडियो देखी थी, और उसमें से हॉस्पिटल के बाहर से वो दिल फेंकते हैं और हॉस्पिटल के अंदर जाकर पेशेंट में वो दिल पड़ जाता है। अब ये बात ये वो वाला सीन केले से बंदों को मारा था, तो ये मैं फिर भी ये कहूंगी मजा आता था देखने का, ये नहीं है कि आपको मजा नहीं आता। मतलब यार अभी भी वैसे अगर बात करें ना, तो मैं अभी भी जो कृष मूवी है या कोई मिल गया मूवी है, मैं अभी भी देख सकता हूँ, यू नो बचपन की यादें ताजा हो जाती है। हाँ, लेकिन लेकिन जो अब देखने का तरीकेकार होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। हाँ मुझे लगता है थोड़ा क्रिटिक्स के लिहाज से, बट हम लोग बस इंजॉय करते थे। सही बात है, मतलब मूवी है। और लेकिन मैं अभी भी जो जैसे साउथ की मूवीज के सीन हो के, और कोई भी मतलब समटाइम्स बॉलीवुड की मूवीज में भी होते हैं, तो मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ कि मूवीज को मूवी की तरह ही लेना चाहिए, रियलिटी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की मूवीज बनती हैं, कुछ रियलिटी बेस्ड होती हैं। वैसे मुझे पर्सनली ऐसी पसंद है जो जिसमें यू नो आपकी जिंदगी, आपकी हालात की सच्चाई दिखाई जाती है, मुझे ऐसी मूवीज ज्यादा पसंद है, रादर देन कोई कॉमेडी, और नहीं कॉमेडी नहीं सॉरी, रादर देन कोई वो वाली रोमांटिक, नहीं मुझे साइंस फिक्शन मूवीज इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, सच्ची बात बताऊं, क्योंकि इसमें भी इन्होंने जिक्र किया था, तो वो भी मैंने नहीं देखी हुई मूवीज तो। लेकिन ये मुझे पसंद है जो कि हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स वाली मूवीज हैं, मुझे वो देखना पसंद है, इसीलिए बता लो वेब सीरीज इन्हें पसंद है, इसीलिए मैं बात करने लगी थी कि इसलिए मुझे वेब सीरीज अच्छी लगती हैं, क्योंकि वेब सीरीज नो डाउट उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छी होती हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा रियलिटी दिखा देते हैं जो बाकी में फैमिली के साथ बैठकर आप नहीं देख सकते, और हेडफोन लगा के आप देख सकते हैं, हेडफोन के बगैर भी नहीं देख सकते, आप वेब सीरीज अकेले बैठकर देख सकते हैं, आप सबके साथ नहीं देख सकते, बट मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स वो ना कुछ ज्यादा ही अननेसेसरी चीजें डाल दी जाती हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। वो मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ पहले टाइम में भी जब मूवीज बनती थी तो कैमरा का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता था कि ना आपको समझ आ जाती थी कि बताना क्या चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल में अभी भी ऐसी चीजें हो सकती हैं, बट एनीवे हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है मूवी बनाने का और या वेब सीरीज बनाने का, बट वेब सीरीज मुझे वाकई में देखने का मजा आता है। और इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाजत, हमारी वीडियोस करें, हमारे चैनल करें, सब्सक्राइब करें, गुड बाय।